हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, लीहान फैमिली में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कुवैत में डस्ट आज हुआ है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग डस्ट है, फिर भी लोग अपना काम कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर डस्ट होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, लेकिन काम तो नहीं रोक सकते हैं, तो मैं भी इसीलिए काम पे आई हूँ। फ्रेंड्स मैं अभी घर आ गई हूँ, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन दोपहर का अपॉइंटमेंट इतना ही था, अब इसके बाद वापस जाऊँगी, शाम को जाऊँगी वापस। तो घर चलते हैं और देखते हैं घर पे क्या हो रहा है। जल्दी चलो नहाने, चलो फटाफट। नहीं अभी नहीं। नहीं नहीं मामा, चलो टाइम हो रहा है, भूख लग रहा है। बंद हो जाएगा तभी। नहीं नहीं भूख लग रहा है, चलो सबको दिखाएंगे। अभी स्टीफन नहाने वाला है, यहाँ पर बैठ के अभी स्टीफन नहाने वाला है। नहीं नहाते हुए तो नहीं दिखाएंगे, तो अभी स्टीफन का नहाना हो गया है। हाँ स्टीफन आप नहा लिए? हाँ। चलो अब क्या करेंगे, कपड़ा पहनेंगे और फिर खाना खाएंगे। हाँ। चलो तो भाई हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। हाँ स्टीफन का नहाने का हो गया, उसके बाद हम लोग खाना खा रहे हैं। क्या खाना खा रहे हैं? दाल चावल और ये पंपकिन का सब्जी। हाँ दाल चावल पंपकिन का सब्जी और मैं दाल नहीं खा रहा। क्या? मैं दाल नहीं खा रहा। दाल नहीं खाना अच्छी बात नहीं होती है, दाल खाना चाहिए, विटामिन है दाल में। हम लोग सिर्फ ये और चावल खाएंगे। ये और चावल क्या है? पंपकिन। पंपकिन और चावल खाएंगे। और ये रायता कौन खाएगा? रायता भी हम खाएंगे। ओके तो गाइस आप लोग भी हमारे साथ खाना खाइए, एंजॉय कीजिए, सबको भोजन का इंतजाम हो, यही हम दुआ करते हैं कि सबके पास खाने के लिए भोजन हो, कोई भी भूखा ना सोए ना। यस हाँ। क्या होना चाहिए? सबके पास खाने का इंतजाम होना चाहिए। ईश्वर सबके लिए इंतजाम करेगा खाने का, ठीक है ना। चलो टेक केयर, चलो खाना खाएंगे। अब पेपर उठा के रखो, रेस्ट करेंगे। अभी क्या करेंगे? रुको हम लोग कहाँ से आ रहे? जल्दी सोने चलो। पेपर उधर चला जाना चाहिए ऊपर। 1 2 3 चलो लेट जाओ फटाफट। चलो अभी क्या करना है? सोने का है। हाँ रेस्ट टाइम अभी। ओके चलो पीछे खसको, हमारे लिए जगह छोड़ो, हमको भी रेस्ट करना है। नहीं चलो तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रेस्ट करने वाले हैं, उसके बाद मैं काम में जाऊंगी। और स्टीफन कहाँ जाएगा? मम्मी को पिक करने के लिए। कहाँ से पिक करेगा? यस डैडी के साथ जाएगा ना, कि तुम जा रहा कार चला के? डैडी के साथ जाएगा ना। चलो टेक केयर, बाय कुकू, सो जाओ। तो मेरा टैक्सी बाहर है, वो खड़ा है टैक्सी, ये लिखा हुआ है ना टैक्सी। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हेयर ड्रेसिंग काम करती हूँ, होम सर्विस देती हूँ मैं, तो मैं अभी एक किसी के घर पे आई हूँ और आप लोग देखिए मेरे काम की जर्नी, मैं आप लोग अपने काम की जर्नी दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स अब इसी के साथ अब मेरा यहाँ काम समाप्त हो गया और मैं घर जा रही हूँ। देखते हैं घर जाने के बाद क्या होता है। घर चलो अब। पता नहीं कौन सी तारीख को गए थे। नहीं, डेढ़ महीना का हुआ। ईद के पहले तो गए थे ना। ईद के पहले ही गया, ईद के बाद में गया। नहीं, ईद के ईद में तो आप थे मेरे साथ में। हाँ, तो आपको छोड़ के गया था। हाँ, आपको कैसा लगता मेरे साथ काम करके? परेशान तो नहीं होते हो? नहीं, मेरा कोई परेशान नहीं। काम करना है किधर भी। हाँ, उधर काम ढूंढना पड़ता है। आपके पास काम मिल जाता है, थोड़ा उधर चलते रहते हैं। आपके पास काम मिलता तो जिसपे घूमते रहते हैं। हाँ, उधर काम नहीं, आपका फोड़ा था, वहाँ से हम काम खत्म करके इधर आ जाते हैं। मेरे साथ सही रहता है ना, बंधा हुआ काम है अपना, आराम से चले। लेकिन ऐसा होता है कि कभी थोड़ा देर हो जाता है किसी कस्टमर के पास। ओवरऑल तो चलता है मैडम, कभी कभार तो लेट हो जाएगा तो चलेगा। वही कभी कभी उन लोग कर देते हैं तो क्या करेंगे, सबके सब एक जैसे नहीं रहते हैं ना। कोई बात, कोई मुश्किल नहीं मैडम। मैं तो अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि टाइम से खत्म। सही है, कोई बात नहीं। आप कभी कोई कस्टमर ऐसा हो तो संभलना पड़ता ना। हाँ, वो तो है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा कि किस तरह मैं टैक्सी वाले के साथ बातचीत करके घर पहुँच गई। मैंने पूछा आज, क्योंकि मेरा टैक्सी जो था, दूसरा है टैक्सी वाला, वो इंडिया गया है, तो उसने अपने फ्रेंड को मेरे को देखे गया है कि मुझे कोई तकलीफ ना हो करके, उसने मुझे अपना फ्रेंड देखे गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छे हैं, रोज लेके जाते अच्छे से, तो अच्छा लगता है। भाई जैसे एक रिश्ता हो जाता है अपनों के जैसे, तो अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं आप लोगों को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये दिख रहा है थोड़ा लाइट, थोड़ा डार्क, वो डार्क वाला बहुत स्ट्रॉन्ग डस्ट है। स्ट्रॉन्ग डस्ट एकदम आ रहा है बहुत ही बुरी तरह से। ये दो तीन दिन तक अब ऐसा ही रहेगा मौसम। बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला मौसम है। पूरा घर गंदा, नाक आंख सब में इन्फेक्शन हो जाते हैं। देखो, पूरा स्कूल कवर, पूरे बिल्डिंग कवर हो गए। अब दो मिनट में हमारा घर भी कवर। ये देखो, इस तरफ सब बिल्डिंग कवर। माय गॉड, व्हाट इज दिस? एक सेकंड में देखो, ये भी कवर होएगा। मेरा अपॉइंटमेंट खत्म हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि दो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया वेदर के वजह से। उनकी पार्टी कैंसिल हो गई है, तो अब मैं घर जा रही हूँ और इसी व्लॉग को मैं कल कंटिन्यू करती हूँ। ये मेरा टैक्सी खड़ा है, इसमें मैं जाऊंगी अभी। घर जाती हूँ सीधा। बहुत हो गया, बहुत गंदा वेदर हो गया, और कुछ हो इससे पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। किसी प्रॉब्लम में ना पड़े, बेटर है घर पहुँच जाऊँ फटाफट। ना बेकार, देखो रास्ता, धीरे धीरे चलाओ गाड़ी ताकि कुछ लाइट लगा दो मैडम। नहीं 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 नहीं, लाइट नहीं चाहिए। और फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने फ्रेंड्स लोगों में
शेयर कीजिए प्लीज प्लीज, मेरे ब्लॉग को थोड़ा आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, आगे शेयर करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। टेक केयर, बाय।